नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं बिंदु भारत। रीवा टीआरएस कॉलेज द्वारा बीएससी पांचवें सेमेस्टर और बीबीए तीसरे सेमेस्टर के जारी किए गए परीक्षा परिणाम में अधिकांश छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। बीएससी पांचवें सेमेस्टर में 250 छात्रों में से 150 के लगभग छात्र छात्राएं प्रमोटेड हुए हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी असंतुष्टता जाहिर हो रही है। इसी विषय को लेकर आज एनएसयूआई टीआरएस कॉलेज के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में प्राचार्य कक्ष का घेराव कर ज्ञापन सौंप कर मांग की गई कि उत्तर पुस्तिकाओं में पुनः मूल्यांकन किए जाएं। टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम में संशोधन करें, क्योंकि हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई छात्र हित में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। यहां तक कि अगर छात्र हित में घेराव भी करना पड़ा तो एनएसयूआई छात्र हित में तैयार है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि टीआरएस कॉलेज में लगातार जो परीक्षा परिणाम आ रहे हैं वह छात्रों के हित में नहीं आ रहे हैं। परीक्षा परिणाम में अनियमितता की जा रही है। छात्र छात्राओं से शुल्क वसूलने के लिए 1-2 नंबर से फेल किया जाता है, या कि 100 में से केवल 2 नंबर दिए जाते हैं। इसमें कॉलेज प्रशासन की एक लापरवाही है, जिसमें कि छात्र प्रमोटेड हों, उसके बाद वह शुल्क सबमिट कर वो पुनः पेपर दें। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो संबल और मेधावी से पढ़ रहे हैं, उनके प्रमोटेड होने के बाद संबल और मेधावी का लाभ मिलना बंद हो जाता है और उनकी शुरू से पूरी शुल्क जमा करनी पड़ती है। इस तरह से जो वहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो शुल्क देने योग्य नहीं होते वह छात्र छात्राएं पढ़ाई तक बंद कर देते हैं। आज हम लोगों ने टीआरएस कॉलेज के प्रचार कक्ष का घेराव किया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने छात्र हित में कक्ष का घेराव किया है। हमारी मांगे ये थी कि जो वर्तमान में परीक्षा परिणाम आ रहे हैं कॉलेज में, उसमें लगभग 80% छात्र छात्राओं को फेल किया जा रहा है। 100 में से 1 नंबर दिया जा रहा है, 200 का पूर्णांक है तो उसमें 3 नंबर दिए जा रहे हैं। असाइनमेंट सेमिनार जो देते हैं उनमें भी लोगों को फेल कर दिया जाता है। ये कॉलेज प्रचार का कक्ष का घेराव किया है, और घेराव में हम लोगों ने ये बताया कि जिस प्रकार से छात्रों का हनन हो रहा है, छात्रों को लगातार फीस वसूली के लिए उनको प्रमोटेड कर दिया जाता है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जैसे संबल मेधावी, उनका भी अगर प्रमोटेड हो जाते हैं छात्र तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाता है और फर्स्ट सेम से उनकी फीस जमा होती है। जो छात्र छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं फीस नहीं दे पाते हैं और उनको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। आज हम लोगों ने घेराव करके चेतावनी दी प्रचार सर को कि 3 दिनों के अंदर रिजल्ट में संशोधन किया जाए छात्र हित में, अन्यथा छात्र हित में एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगी, यहाँ तक कि कॉलेज बंद का भी आह्वान करेगी।